निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। क्षेत्रीय महासभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है कि धर्मशास्त्र ने समाज को चार भागों में विभाजित किए हुआ है। साध्वी जाति व्यवस्था को सही ठहराना चाहती है और वे चाहती है कि समाज फिर से पुराने ढांचे में वापस चला जाए, जहां पर ऊंची जाति वाले लोग खुद से नीची जाति वाले लोगों का शोषण करते थे और खुद को सहर्षी स्वीकार करते थे। यानी कि उनसे अगर कोई छोटी जाति का होगा तो उसे नीच समझ के उसका शोषण करेंगे, चाहे फिर वो शारीरिक शोषण हो या मानसिक शोषण हो। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि प्रज्ञा ठाकुर मनुस्मृति के अनुसार खुद एक शूद्र श्रेणी से आती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है कि मनु जितना शूद्रों के लिए कठोर है उससे तनिक भी कम स्त्रियों के लिए कठोर नहीं है। मतलब जितना शूद्रों के लिए कठोर है उतना ही सेम वह स्त्रियों के लिए भी कठोर है। मनुस्मृति पुरुषों को यह आदेश देती है कि पुरुषों का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की स्त्रियों को दिन रात अपने अधीन रखे। अगर स्त्री विषय वासना की ओर झुकती है तो पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वह उन पर नियंत्रण करे। मनु में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जब स्त्री बचपन में यानी बच्चा होती है तब उसे पिता के नियंत्रण में रहना चाहिए। जब वो जवान होती है यानी कि युवावस्था में आती है तब उसे अपने पति के नियंत्रण में होना चाहिए। जब उसका पति मर जाता है किसी कारणवश तो उसे अपने जो पुत्र होता है उसकी स्वतंत्रता में रहना चाहिए, यानी कि उसके नियंत्रण के अंदर रहना चाहिए उसे। मनु ये भी लिखता है कि स्त्री हो या युवावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, उसको अपने ही घर के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मनु स्त्रियों को स्वतंत्र ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह बताता है कि स्त्रियां बहुत ही जल्द यानी कि दूसरे पुरुषों को अपने ओर आकर्षण करने के लिए आतुर रहती हैं। मनु ये भी लिखता है कि स्त्रियां जो है ना तो वो अपने रूप का ध्यान रखती हैं ना अपनी आयु का ध्यान रखती हैं। स्त्रियों के अंदर 8 ऐसे अवगुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनु कहता है कि पत्नियां जो हैं अपने पति के प्रति वफादार नहीं होती हैं। मनु ये भी आदेश देता है स्त्रियों को कि स्त्री अपने पति की एक देवता के प्रति जिस तरह से देवता की पूजा की जाती है उसी तरह अपने पति को देवता समझ के उसकी पूजा करनी चाहिए, चाहे पति जैसा भी क्यों ना हो। मनु किसी भी स्थिति में पत्नी को यह अधिकार नहीं देता कि वह अपने पति से अलग हो जाए, यानी कि चाहे वो खुश रहे चाहे वो दुखी रहे चाहे जैसी भी स्थिति में रहे उसे हर हाल में अपने ही पति के साथ रहना पड़ेगा, उसे छोड़कर जाने का आदेश मनु नहीं देता है। मनुस्मृति का आदेश है कि पति चाहे दुराचारी हो व्यभिचारी हो चाहे पति के अंदर कोई भी गुण क्यों ना हो, सारे गुण रहित हो, लेकिन पत्नी को ये हक नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ के चली जाए। पत्नी को फिर भी अपने पति की इस सेवा करनी चाहिए और अपने पति को एक देवता की भांति समझ के उसकी पूजा करनी चाहिए, चाहे पति उसे कितना भी कष्ट क्यों ना देता हो, चाहे पति कोई भी खुशी क्यों ना देता हो उसे, चाहे जिस भी स्थिति में रखे रहना उसे हर हाल में पति के ही साथ है। मनुस्मृति सूत्रों की तरह स्त्रियों को भी शिक्षा से आजादी से स्वतंत्रता से किसी भी हक से सिर्फ वंचित रखती है। मनु आदेश देती है कि पत्नियों के जो पति होते हैं पतियों को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नियों को पीट सकते हैं। पीटने का अधिकार भी मनु देता है पति को। मनुस्मृति शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए घृणा से भरी हुई है।
हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज भी आरएसएस के जो विचारक हैं वो मनुस्मृति को अपना आदर्श समझते हैं। सिर्फ आरएसएस वाले ही नहीं बल्कि आज हमारे देश के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति को अपना आदर्श समझते हैं। और जितनी भी अभी हमने जितनी बात बताई है जो मनु के अंदर लिखी हुई है, वास्तव में कितनी स्त्री ऐसे हैं हमारे भारत देश के अंदर जिनके साथ ये सब होता है और वो चुपचाप सहन करती है, कोई आवाज नहीं उठा सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।